बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा से जो दो शोबे जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, एक उनमें से एक मईशत है और दूसरा तालीम। और आज हाल ये है कि तुलबा इंतहाई परेशान हैं, खुसूसन वो तुलबा के जो मेहनत करते हैं और उसके बाद ही उन्हें कोई अच्छा उसका रिस्पांस मिलता है। मईशत की तबाही का जिक्र तो करना ही बेकार है कि हर एक उसको बारे में बखूबी जानता है, लेकिन दूसरी तरफ तालीम कि जिसके बारे में हमारा ये तासर था कि जब ये नई हुकूमत आई है तो ये शोबा तालीम पर खुसूसी तवज्जो देगी, लेकिन सबसे ज़्यादा शोबा यही मुतासर हो गया है। और हाल ये है कि शायद मुल्की तारीख में पहली मरतबा ये फैसला किया गया है कि तुलबा को बग़ैर किसी इम्तहान के उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। ये फैसला कैसा है, इसके बारे में आए रोज़ मनफी और मुस्बत और कमेंट्स जो है सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत का तर्ज़ अमल कैसा है ये भी आप देख लें कि ऐसे तलबा के जिन्होंने इम्तहान के लिए फ़ीस जमा कराई थी, उनसे जब इम्तहान नहीं ले लिया गया तो उन्हें प्रमोट किया गया है बग़ैर किसी एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस से गुजारते हुए उन्हें जब आगे भेजा गया है, अगली क्लासों में प्रमोट किया गया है, तो फिर किस कानून के तहत और किस तुक के मुताबिक ये उनसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वसूल की जा रही है और उन्हें ये फ़ीस क्यों नहीं वापस की जा रही, हुकूमती इदारे इस बारे में क्या कहते हैं और उन्होंने ये गरीब तलबा का हक क्यों मारा हुआ है। मैं एक अरसा से स्टूडेंट सियासत से वाबस्ता रहा हूँ और उनके तलबा के मसाइल में खूबी जानता हूँ कि अगर प्राइवेट स्कूल्स के मालकान को इस बात का पाबंद किया जाता है कि वो छुट्टियों की फ़ीस नहीं ले सकते और छुट्टियों के बाद फिर दोबारा जब ये वबा फूटी तो उसके बाद भी जो स्कूल वो बंद रहे हैं, तो उन्हें डंडे के ज़ोर पर इस बात का पाबंद किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो वालदैन से फ़ीस नहीं ले सकते, और इस बारे में उन्हें तरह तरह के थ्रेट दिए जा रहे हैं कि अगर किसी ने फ़ीस वसूल की तो उसके साथ ये हो जाएगा। हालांकि प्राइवेट इदारे, अगरचे वो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि वो ठीक ठाक वो कमा रहे हैं, लेकिन बाज़ छोटे इदारे भी हैं जो कि छोटे पैमाने पर वो कायम हैं, तो उन्होंने स्टाफ्स की तनख्वाह भी देनी है और उन्हें स्कूल के किराए भी देने हैं बिल्डिंग के और बाकी भी उनके अखराजात हैं। तो मैं उस बात में नहीं जाता कि आया वो फैसला कैसा है, लेकिन यही चीज़ हुकूमत अपने ऊपर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करती कि वो ऐसे तलबा वो तलबा जिनसे उसने फ़ीसें वसूल की हैं एग्ज़ामिनेशन के नाम पर, तो जब एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रहे तो वो उसके बगैर ही जब प्रमोट हो रहे हैं तो उन्हें फिर क्यों उनसे फ़ीसें जो है वो वसूल की जा रही हैं और उन्हें फ़ीसें क्यों नहीं वापस की जा रही हैं, एक तो ये सवाल है। और दूसरा, उसने यूनिवर्सिटीज़ इंतज़ामिया को पाबंद किया है कि वो तुलबा से इम्तिहान लें, ठीक है, इस फैसले की हम हमायत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कि मुल्क की सूरत हाल ऐसी है, मईशत तबाह है और लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, ऐसे में जमियात ने अपने अपने फ़ीसों में इजाफा बिलाजवाज कर दिया है और तलबा को रिलीफ देने की बजाय उनसे तालीम छीनी जा रही है, तो आया उनको कोई पूछने वाला नहीं कि उन्होंने फ़ीसों में क्यों इजाफा किया है और वो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं रिलीफ दे रहे, आया वो तालीम और इल्म की तरक्की वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो इस सिलसिले में हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। हम मुतासर तलबा के साथ हैं और हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर हुकूमत का कुछ थोड़ा बहुत भी वो उसका तलबा के साथ हमदर्दी है, वो तालीम को तरक्की देनी चाहती है, तालीम उसकी तरजीह है, तो इस सिलसिले में वो फौरी इकदाम करे। एक तो ऐसे तलबा कि जिनके बग़ैर किसी एग्ज़ामिनेशन के प्रमोट किया गया है उनकी फ़ीसें फिलफौर वापस की जाएँ, और दूसरा यूनिवर्सिटीज़ इंतज़ामिया को ये पाबंद किया जाए कि वो फ़ीसों में इजाफा ना करे बल्कि पहले से जो फ़ीसें उनका शेड्यूल है उनमें वो कमी की जाए ताकि तलबा कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।